बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगे पढ़ने से पहले गुज़श्ता सबक के हवाले से एक सवाल है कि शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक जो मनसूख आयात हैं वो 5 हैं, लेकिन यहाँ कल जिस तरह बताया गया तो वो 6 आयात बन रही थी। तो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब और इसी तरह डॉक्टर अब्दुल रऊफ ज़फ़र, इन दोनों ने उलूमुल कुरान में जो 5 आयात मनसूखा का ज़िक्र किया है, पहली आयत जो है वो सूरतुल बकरा की है, कुतिबा अलैकुम इज़ा हाज़रा अहदकुमुल मौत इन तरका खैरन अलवसिया, ये वाली आयत है। जबकि जो दूसरी मनसूख आयत है वो है सूरत अनफाल की आयत, तीसरी मनसूख जो आयत है वो सूरत अहज़ाब की है, जो चौथी मनसूख आयत है वो सूरत मुजादला की है, और पांचवी जो मनसूख आयत है वो है सूरत मुज़म्मिल की। ये 5 आयात जो हैं मनसूख हैं। कल हमने एक और आयत का तज़किरा भी किया, वो आयत थी वल्लज़ीना युतवफ़ौना मिनकुम वयज़रूना अज़वाजा, वो वाली आयत जो है मनसूख नहीं है। ये बात समझ आ गई आप लोगों को? अच्छा, जो किताब है ना गुलदस्ता, उसमें जो मनसूख आयात हैं उनमें पहली मनसूख आयत सूरतुल बकरा की है 240, जिसकी मैंने अभी आप लोगों के सामने तिलावत की है, वल्लज़ीना युतवफ़ौना मिनकुम वयज़रूना अज़वाजा। ये वाली आयत जो है गुलदस्ता में इसको भी मनसूख करार दिया गया है। अब हम देखते हैं जो अल-फौज़ुल कबीर की शुरुआत है उनमें क्या है। तो अल-फौज़ुल कबीर की शुरुआत को जब हम देखते हैं तो उसमें भी ये जो आयत है कुतिबा अलैकुम, इससे पहली वाली आयत जो है बल्कि दूसरी वल्लज़ीना युतवफ़ौना मिनकुम, ये वाली आयत जो है इस आयत में, इस आयत को शाह वलीउल्लाह भी मनसूख समझते हैं, लेकिन मेरे नज़दीक भी ये आयत दूसरे तमाम मुफस्सरीन की तरह मनसूख है। तो गोया के गुलदस्ता में और इसी तरह अल-फौज़ुल कबीर की जो शरह है इसमें आयत नंबर 100 जो बल्कि आयत नंबर 240 जो है ये मनसूख है आयत नंबर 234 से। अब हम क्या करेंगे? बात समझ आ रही ना आप लोगों को कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने और डॉक्टर अब्दुर्रऊफ़ ज़फ़र ने सूरतुल बकरा की एक आयत को मनसूख शुमार किया है, जबकि गुलदस्ता में सूरतुल बकरा की 2 आयतें मनसूख शुमार की गई हैं। हमने जब देखा अल-फौज़ुल कबीर की जो असल शरह है उसमें भी 2 आयतें मनसूख हैं। अब भाई इख्तलाफ कहाँ पर है? तो इख्तलाफ जो आखिरी आयत है जो सूरतुल मुज़म्मिल की है, जो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब भी उसको मनसूख समझते हैं, डॉक्टर अब्दुर्रऊफ़ ज़फ़र साहब भी उसको मनसूख समझते हैं, जबकि अल-फौज़ुल कबीर की जो शुरुआत हैं अगर हम उनको देखें तो वहाँ पर ये आयत मनसूख नहीं है। तो ये आपको एक बात बतलानी थी कि अल-फौज़ुल कबीर की जो शुरुआत हैं उनके मुताबिक 2 आयतें सूरतुल बकरा की मनसूख हैं, तीसरी आयत सूरत अनफाल की मनसूख है, चौथी आयत सूरत अहज़ाब की मनसूख है,
पांचवी आयत जो है वो सूरत मुजादला की मंसूख है, जबकि उलूमुल कुरान जो तकी उस्मानी साहब की है या उलूमुल कुरान डॉक्टर अब्दुल्रऊफ जफर की है उसके मुताबिक एक आयत सूरत बकरा की मंसूख है और एक आयत सूरत अनफाल की, एक आयत सूरत अहजाब की, एक आयत सूरत मुजादला की और आखिरी आयत जो है सूरतुल मुज़म्मिल की है। तो मेरे ख्याल में हम यहाँ पे इसको तरजीह देंगे जो अल्फ़ौज़ुल कबीर की शुरुआत है उनको। जी तो बाब दोम की तीसरी फसल है, इसमें असबाब नुजूल की अदम मार्फत के बारे में तज़किरा है। फ़हम कुरान में जो सबसे बड़ी दुश्वारी है वो है नासिख मनसूख की पहचान, जिसका तज़किरा हो चुका है। इसके बाद शाह वलीउल्लाह ने फरमाया कि जो दूसरा दुश्वार तरीन मसला या सबब है वो है असबाब नुजूल की मार्फत। अब रहा ये सवाल कि असबाब नुजूल ये फ़हम कुरान के रास्ते में हायल क्यों है, इस दुश्वारी का जो बुनियादी सबब है वो भी मुतकद्दमीन और मुताखिरीन की इस्तलाहात का फ़र्क है। जिस तरह नासिख व मनसूख की इस्तलाहात में फ़र्क और इख्तलाफ है, इसी तरह असबाब नुजूल की इस्तलाह का भी इन दोनों में फ़र्क है। एक मिनट। तो अब सवाल ये है कि असबाब नुजूल में जो मुतकद्दमीन और मुताखिरीन की इस्तलाहात हैं वो क्या है। अच्छा, एक बात ये भी समझ लें, असबाब नुजूल को मुफस्सिरीन शान नुजूल से भी ताबीर करते हैं, असबाब नुजूल शान नुजूल इस तरह ताबीर करते हैं। शाह साहब कहते हैं कि सहाबा किराम और ताबेईन जो हैं उनके बयानात से हम ये नतीजा निकाल सकते हैं कि ये हजरात जब नाजा लतफी कज़ा कहते हैं, यानी ये आयत फुलां बारे में नाजिल हुई, तो ये किसी ख़ास वाक़या से मखसूस नहीं होता जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक ज़माने में हुआ और नुज़ूल आयत का सबब बना। यानी सहाबा और ताबईन के नज़दीक नाजा लतफी कज़ा ये आयत इस बारे में नाजिल हुई, इसका मफहूम बहुत वसी है। सहाबा कराम नाजलत फी कजा कहने से सिर्फ वही वाक़या मुराद नहीं लेते थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में पेश आया था और आयत के नुजूल का सबब बना था, बल्कि सहाबा नाजलत फी कजा से कभी ऐसा वाक़या और मामला भी मुराद लेते थे जिस पर ये आयत सादिक आती है, जिस पर वो आयत फिट आती, सहाबा उस मामले के बारे में भी नाजलत फी कजा कहते हैं, चाहे वो मामला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हुआ हो चाहे बाद में पेश आया हो, वो उस आयत का मिसदाक बने, वो उस आयत पर फिट आए, सहाबा कह देते हैं नाजलत फी कजा। एक बार इसी तरह कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा कोई मसला दरियाफ्त करते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरानी आयत पढ़कर इस्तिंबात फरमाते तो इसको भी वो लोग नाजलत फी कजा कह देते थे। अब यहां आप समझें कि आयत पहले से मौजूद थी, सहाबी के सवाल पूछने पर आयत नाजिल नहीं हुई, बल्कि पहले से मौजूद उस आयत की आप तिलावत करते,
कि तुम्हारा जो मसला है उसके बारे में ये आयत मौजूद है, तो सहाबा इसको भी कह देते हैं नाजलत फी कजा, ये आयत इस बारे में उठी है, हालांकि वो आयत उससे पहले नाजिल हो चुकी होती थी। तो ऐसे मौके पे सहाबा जो हैं वो नाजलत फी कजा भी कह देते, फनाजलत भी कह देते, फअनजलल्लाहु तआला ये सब कह देते। अब अगला सवाल ये है कि सहाबा ऐसा क्यों करते थे, आयत बाद में, आयत पहले नाजिल हो चुकी है, वाकया बाद में पेश आया, सहाबा ऐसा क्यों करते थे, ऐसा क्यों कहते थे? तो शाह साहब बतलाते हैं क्योंकि वो इस बात को भी वही से ताबीर करते, यानी वो यूं समझते कि अल्लाह ने सवाल का जवाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में डाल दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत की तिलावत कर दी, तो गोया ये भी एक वही है जिसको हम नफ्स फिर्राओ कहते हैं, दिल में बात डालना। तो आप फरमाते नाफा सफी रोई, अल्लाह ने मेरे दिल में ये बात डाल दी। इसी तरह इसको तकरार नुजूल से भी ताबीर किया जा सकता है, यानी एक आयत एक से ज़ायद मरतबा नाज़िल हो। तो सहाबा ऐसा क्यों कहते थे, चूंकि आपके दिल में वो बात अल्लाह ने डाली होती थी, ये भी वही की एक किस्म होती है, इस वजह से सहाबा इसको नाजलत फी कजा से ताबीर कर देते हैं, या फ़अनज़लल्लाह से ताबीर कर देते हैं, या फ़उनज़िलत ये आयत उतारी गई नाजिल की गई। इसके बाद शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने ये जिक्र किया कि मुहद्दिसीन ने तफसीर की किताबों में पुरानी आयात में कई ऐसी रिवायात का तज़किरा किया है कई ऐसी बातें बयान की हैं जिनका शान नुजूल से कोई ताल्लुक नहीं है। शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी कुछ मिसालें दी हैं, मसलन सहाबा आपस में बहस व मुबाहसा करते किसी मसले के बारे में और उस पर दलाइल पेश करते हुए बतौर सबूत के कुरान मजीद की कोई आयत तिलावत करते तो मुहद्दिसीन उस आयत की तफसीर बयान करते हुए वो वाकया जिक्र कर देते हैं कि फलां जगह बहस मुबासा करते हुए फलां सहाबी ने इस आयत की तिलावत की थी। अब ये शान नुज़ूल तो नहीं है, एक तो ये है। इसी तरह या किसी आयत की मिसाल बयान करते थे, यानी किसी आयत को बतौर मिसाल पेश करते, या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी किसी बात को साबित करने के लिए कोई आयत पढ़ना, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी ख़ास मौका पर किसी आयत का हवाला देते तो मुहद्दिसीन उस रिवायत को भी उस आयत के ज़िम्न में ज़िक्र कर देते हैं, ये भी शान नुज़ूल नहीं। या जो है आयत की असली गर्ज के मवाफिक कोई हदीस, इसका मतलब ये है कि मुहद्दिसीन आयत की तफसीर करते हुए कोई ऐसी हदीस भी जिक्र कर देते हैं जो उस आयत से मुनासबत रखती है, ये चीज़ भी असबाब नुजूल में से नहीं है, शान नुजूल में से नहीं है। इन तमाम चीज़ों को मुफस्सिरीन जो हैं मुहद्दिसीन अपनी तफसीरों में ज़िक्र करते हैं। इसी तरह किसी वाक़या में लोगों के नाम मुबहम ज़िक्र किए गए हों उनको मुतय्यन करते हैं मुहद्दिसीन, मसलन असहाब काफ का कुत्ता, असहाब काफ के लोगों के नाम, मुहद्दिसीन इन चीज़ों को ज़िक्र कर देते हैं, ये भी शान नुज़ूल नहीं है और ये मुफस्सिर को इनका जानना भी ज़रूरी नहीं है। इसी तरह जो है किसी कुरानी कलमा
और लफ्ज का तलफ्फुज या पढ़ने का तरीका बयान करना, यानी कोई कुरानी आयत है, कोई लफ्ज है, उसकी मुख्तलिफ किराते हैं, तलफ्फुज हैं, इसको बयान करना, ये भी शान नुज़ूल में से नहीं है। इसी तरह मुहद्दिसीन जो हैं वो बाज़ औक़ात कुरान मजीद की तफसीर करते हुए किसी सूरत या किसी आयत की फजीलत बयान कर देते हैं, तो उस फजीलत का याद रखना या ये बयान करना ये भी शान नुज़ूल नहीं है और इसका जानना मुफस्सिर के लिए ज़रूरी नहीं है। या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किसी कुरानी आयत पर अमल करने का तरीका बयान करना, यानी किसी कुरानी आयत पर अमल करने का क्या तरीका होगा अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको बयान करते हैं और मुहद्दिस इसको अपनी तफसीरों में, किताबों में, रिवायात में नकल करते हैं, तो इस चीज़ का जानना भी मुफस्सिर के लिए ज़रूरी नहीं है और इसका ताल्लुक भी शान नुज़ूल से नहीं है। ठीक है भाई, अब अगला सवाल ये है, जब नाज़लत कज़ा या मुतकद्दमीन के नज़दीक शान नज़ूल या फ़ाउन्ज़िलत इसका मफहूम बहुत वसी है, तो एक मुफस्सिर के लिए इस मामले में क्या चीज़ जानना ज़रूरी है। शासह फरमाते हैं, एक मुफस्सिर के लिए शान नज़ूल के बारे में दो चीज़ों का जानना ज़रूरी है। वो दो चीज़ें कौन सी हैं? नंबर एक, जिन किसस और वाकयात की तरफ आयात में इशारा है उन वाकयात का जानना ज़रूरी है। पहली चीज़ तो यह, आयात में जिस किस्से या जिस वाकया की तरफ इशारा है उस वाकया को, उस किस्से को जानना ज़रूरी है। क्यों भाई? क्योंकि आयात के इशारे समझना वाकयात के इल्म के बग़ैर मुमकिन नहीं है। मसलन, वमा रमैता इज रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, और आपने फेंका, नहीं फेंका आपने जब आप फेंक रहे थे। अब इस आयत का मफहूम तब हमें पता चलेगा जब इस वाकया की तरफ जो इशारा है वो हमें मालूम कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा बदर में मुट्ठी भर रेत उठाकर कुफार की तरफ उसको फेंक दिया। ये है वमा रमैता इज रमैता वलाकिन्नल्लाह। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर जानना ज़रूरी है, उस किस्से के, उन वाकयात के, उन असबाब को या उन जुज़ियात को जानना ज़रूरी है जिनसे आम की तख़सीस होती हो या आयत के ज़ाहिरी मफहूम में तब्दीली आती हो, क्योंकि आयत के ज़ाहिरी मफहूम में तब्दीली या आम के अंदर तख़सीस, ये तब हम समझेंगे जब हमें उस वाक़या का इल्म होगा। यहाँ तक बात समझ आ गई आप लोगों को? जी। तो मुफस्सिरीन को कितनी चीज़ें जानना ज़रूरी हैं? दो, एक उन वाक़यात और उन किस्सों को जिनकी तरफ आयात में इशारा है, क्योंकि उनको जाने बगैर आयत का सही मफहूम आप समझ नहीं सकते। दूसरे नंबर पर वो वाक़यात जिनकी वजह से किसी आम हुक्म को ख़ास कर दिया गया हो या फिर किसी ख़ास वाक़या की वजह से आयत का ज़हरी मफहूम तब्दील हो रहा हो, इस चीज़ का जानना मुफस्सिर के लिए ज़रूरी है। अच्छा, इसके बाद शाह साहब ने ये ज़िक्र किया है, इसी ज़िम्न में अंबिया के हालात और वाक़यात भी हैं, लेकिन अंबिया के हालात और वाक़यात में अक्सर जो किस्से हैं वो गैर सही और गैर ज़रूरी हैं, इसी वजह से
इन किस्सों का अहादीस में जिक्र बहुत कम मिलता है। हाँ, ये इसराइलियात हैं। अक्सर मुफस्सरीन लंबे चौड़े किस्से बयान करते हैं और इसराइलियात के बारे में हमें सही बुखारी की एक रिवायत से ये रहनुमाई मिलती है। वो रहनुमाई ये है, ला तुसद्दिकू अहलल किताबी वला तुकज्जिबूहुम, कि ना हम उनकी तस्दीक करेंगे ना हम उनकी तकजीब करेंगे। हम इसके बारे में क्या रखेंगे? खामोशी रखेंगे। ठीक है, ये बात भी समझ आ गई आप लोगों को? अगला सवाल यह है कि सहाबा किराम यहूद और मुशरिकीन के किस्से और उनके जहालत के रसूम और रिवाज को किस मकसद के लिए बयान करते थे। नाजलत फी कजा में बाज़ औक़ात सहाबा जो हैं वो यहूद और मुशरिकीन के किस्से भी बयान कर देते हैं और इसी तरह जो है जाहिलाना रसूम को भी बयान कर देते हैं। ऐसा सहाबा कराम क्यों करते थे? तो शाह साहब ने इसका जवाब ये दिया कि एक मकसद तो उनका ये था कि वो अकैद व आदात वाज़े हो जाएं, उनके जो बातिल अकैद हैं और उनकी जो गलत आदात हैं वो वाज़े हो जाएं। और इस मौका पर वो नाजलत फी कजा जो कहते थे, इनकी मुराद ये होती थी कि इस किस्म की जितनी भी बातें हैं वो इस आयत का मिसदाक बन सकती है। यानी मकसूद जो है वो ये है कि वाकया की सूरत हाल का इजहार हो जाए और लोगों को ये मालूम हो जाए कि ये वाकया या इस तरह के वाकयात के बारे में ये आयत उतरी है। इसलिए सहाबा जो थे वो मुशरिकीन के यहूद के अकैद वगैरह का भी तज़किरा करते थे। इसके बाद शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने एक और बात जिक्र की है, कुराने मजीद की आयात का एक उसलूब ऐसा भी है कि वहाँ नेक लोगों की सिफतें होती हैं और बाज आयात में बदबख्त लोगों की अलामत और निशानियाँ होती हैं, तो ये किसी ख़ास बंदे के लिए नहीं होती बल्कि इससे हर शख्स मुराद हो सकता। तो शाह साहब ने फरमाया कि जब किसी आयत में खुश किस्मत और नेक बख्त लोगों की सिफात मौजूद हों या किसी आयत में बदबख्त लोगों की अलामत मौजूद हों तो उससे ख़ास और मुतायन शख्स मुराद नहीं होता बल्कि उस सिफात के हामिल और उन अलामत वाले तमाम लोग उससे मुराद हो सकते हैं। मसलन कुरान मजीद में है, सूरत अलक में कुछ आयात हैं, अराई तल्लजी यनहा, कि आपने देखा उसको जो रोकता है अबदन इजा सल्ला, एक बंदे को नमाज पढ़ने से, तो इससे मुराद जो रोकने वाला है वो अबू जहल, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज से रोकता था, ये इस आयत का मिसदाक है। तो ये सिर्फ उसके साथ खास नहीं है, हर वो शख्स इसका मिसदाक बन सकता है जो किसी को नमाज से रोकता। ठीक है, और
इसी तरह कद अफलहल मोमिनून अल्लदीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, ये सब लोग, ये सब मोमिनों के लिए हैं जिसमें भी ये निशानियां मौजूद हों वो कामयाब पा गए हैं। इससे मुराद कोई खास नहीं है। तो यहां फिर आखिर में शाह साहब ने फिर से मुफस्सिर की जिम्मेदारी बतलाई है कि मुफस्सिर इस तरह के जो मुख्तलिफ हालात और वाकयात हैं, जब एक आयत से कई लोग मुराद हो सकते हैं, तो मुफस्सिर जो है वो दो चीजों का ख्याल रखे। एक वो गजवात और वाकयात जिनकी तरफ आयात में इशारा है और आयत को समझने का दारोमदार उस पर है, इस चीज का ख्याल रखना, इस चीज को जानना मुफस्सिर के लिए जरूरी है। दूसरी चीज जो मुफस्सिर को जानना जरूरी है वो ये है, अगर आयत में कोई शर्त मौजूद है, कोई इस्तिस्ना मौजूद है, तो उस शर्त और इस्तिस्ना को जानना भी मुफस्सिर के लिए जरूरी है। इसके अलावा दीगर जो बातें हैं जिनका शान नुज़ूल से ताल्लुक नहीं, उनका मुफस्सिर के लिए जानना जरूरी नहीं है। जी भाई, आपने क्या पूछा? इस्तिस्ना, शर्त के साथ जो है इस्तिस्ना है। तो ये फाहम कुरान की दुश्वारियों में से तीन दुश्वारियां हमने पढ़ ली हैं, एक गरीबुल कुरान, और उसके बाद दूसरे नंबर पर है नासिक व मनसूख, तीसरे नंबर पर है असबाब नुज़ूल। अच्छा, फाहम कुरान की दुश्वारियों में एक और दुश्वारी जिसका शाह साहब ने जिक्र किया वो है तौजीह। तौजीह का लुगवी माना है एक मुअय्यन रुख पर डाल देना। तौजीह का लफ्जी माना है एक मुअय्यन रुख पर डाल देना। और तौजीह की इस्तिलाही तारीफ जो है वो ये है कि कलाम की कोई ऐसी वजह बयान कर दी जाए, कलाम के किसी ऐसे रुख और पहलू को बयान कर दिया जाए, कलाम के मकसूद को इस तरह वाजे कर दिया जाए कि कोई इश्काल बाकी ना रहे, इसको जो है तौजीह कहते हैं। अब तौजीह की जो ज़रूरत पेश आती है उसकी क्या वजह है, भाई क्यों तौजीह की ज़रूरत क्यों पेश आती है? तो शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने बतलाया कि कभी आयत में शुबा होता है, यानी आयत का जो मदलूल है, आयत से जो मुराद है वो ज़रा बईद होता है, जबकि मुखातब उसको करीब समझ रहा होता है। आयत से मुराद कोई दूर वाला माना है, मुखातब और समझने वाला करीब वाला माना मुराद ले रहा होता है, इस वजह से उसको दुश्वारी पेश आती है और फिर उसकी तौजीह बयान कर दी जाती है। एक सूरत तो यह है, बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि दो आयतों का मफ़हूम बज़ाहिर एक दूसरे से मुतज़ाद नज़र आ रहा होता है, तो उस तज़ाद को दूर करने के लिए तौजीह की ज़रूरत पेश आती है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जो मुबतदी तालिबे इल्म है, जो इब्तदाई तालिब इल्म है, उसको किसी आयत का समझना दुश्वार होता है, तो उसकी दुश्वारी को दूर करने के लिए तौजीह की ज़रूरत पेश आती है। और बाज़ औक़ात आयत में कुयूदात की वजह से कुछ खिफा और पोशीदगी होती है, उसको दूर करने के लिए तौजीह की ज़रूरत पेश आती है। अब हमारे एक की मिसाल भी पढ़ते हैं, आखिरी ये है कि किसी कैद की वजह से कलाम में खिफा और पोशीदगी हो, उस पोशीदगी को दूर करने के लिए तौजीह। हर एक की मिसाल से आप इसको आसानी से समझ लेंगे। तौजीह की ज़रूरत क्यों पेश आती है? पहली वजह हम पढ़ आए हैं
कि आयत से जो मुराद है वो दूर वाला माना है, जबकि सामने समझने वाला मुखातब जो है वो करीब वाला माना मुराद लेता है। इसकी मिसाल है कुरान मजीद में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जो हैं उनको कहा गया उख्ता हारून, हारून की बहन, ए हारून की बहन। इस पर यहूद ने एतराज़ किया कि ये मरियम हारून की बहन किस तरह है, हज़रत हारून और हज़रत मूसा का ज़माना तो बहुत पहले है और मरियम और ईसा का ज़माना तो बाद में है, तो ये एक दूसरे के बहन भाई किस तरह है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तौजीह बयान की, आपने फरमाया कि हारून से मुराद वो हारून नहीं जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई थे, बल्कि इस नाम का एक और शख्स हज़रत मरियम के ज़माने में भी था, उनका उनकी बहन इनको कहा गया। और इसकी वजह यह है कि बनी इसराइल अपने बुजुर्गों के नाम पर अपने बच्चों के नाम रखते थे। बात समझ आ गई, अब उनका एतराज़ दूर हो गया। यहूद ने क्या कहा कि ये किस तरह ये एक दूसरे के बहन भाई हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौजीह फरमाई, तुम जो बहन भाई से असली बहन भाई समझ रहे हो वो मुराद नहीं, बल्कि बुजुर्गों के नाम पर लोग नाम रख देते थे, इस लिहाज से इसको हारून की बहन कहा गया। तौजीह की दूसरी वजह हम ये पढ़ाए हैं, ज़रूरत इसलिए पेश आती है कि बज़ाहिर दो आयतों का आपस में तजाद और तआरुज़ आप देखें। अच्छा, तौजीह की हम एक और मिसाल ऊपर वाले की भी पढ़ लें कि मुखातब उससे कुछ और समझे, आयत से मुराद कुछ और हो। मसलन कुरान में है लोग क़यामत के दिन मुंह के बल चलेंगे, लोग क़यामत के दिन मुंह के बल चलेंगे जो मुजरिम होंगे। कुफार ने इतराज़ कर दिया कि मुंह के बल कैसे चला जा सकता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तौजीह बयान की। आपने फरमाया ये जो पाँव के बल चल रहे हो, पाँव के बल चलाने वाला भी अल्लाह है, तो जो अल्लाह पाँव के बल चलाने पर कादिर है वो मुंह के बल चलाने पर भी कादिर है, तो वो जो उनका एतराज़ था वो दूर हो गया। तौजीह की जो दूसरी सूरत है कि आज तुम्हें बज़ाहिर तज़ाद हो, उनका मफहूम एक दूसरे से मुतआरिज़ हो, आप इसकी मिसाल समझें। सूरतुल मोमिनून कुरान मजीद की सूरत है, इसमें यह है कि जहन्नमी जो हैं, मुजरिम या गुनहगार जो हैं, वो आपस में सवाल नहीं करेंगे, ला यतसाल, एक दूसरे से सवाल जवाब नहीं करेंगे। जबकि सूरत साफात में है अकबर बाज़ुहुम अला बाज़ी यतसाल, कि वो आपस में एक दूसरे से मुतवज्जे होकर सवाल करेंगे। तो एक आयत का मफहूम यह है कि वो सवाल नहीं करेंगे, आपस में बातचीत नहीं होगी। दूसरी आयत का मफहूम यह है कि आपस में सवाल और जवाब करेंगे, आपस में बातचीत होगी। बज़ाहिर इनमें तजाद है। और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से इसके बारे में पूछा गया, सवाल किया गया, ये आयतें आपस में मुतआरिज़ हैं, तो आपने फरमाया पहली आयत का ताल्लुक जो है वो मैदान महशर के साथ है। मैदान महशर में इस कदर घबराहट और खौफ के लोग एक दूसरे से सवाल नहीं करेंगे। और जो दूसरी आयत है वो है जन्नत और जहन्नम के मुताल्लिक, जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और जहन्नमी जहन्नम में, वहाँ एक दूसरे से फिर वो सवाल और जवाब करेंगे, हाँ तुम कैसे थे, तुमने क्यों नहीं बात मानी वगैरह वगैरह। तो एक आयत का ताल्लुक और जगह से है, दूसरी आयत का ताल्लुक दूसरे वक्त के साथ है, लिहाजा कोई तआरुज़ और कोई तज़ाद नहीं है। तो अब्दुल्ला बिन मसूद ने, अब्दुल्ला बिन अब्बास ने ये तौजीह बयान की है, ठीक है, ये बात भी समझ आ गई। अच्छा, तीसरी बात जो हमने ये पढ़ी थी कि बाज़ औक़ात ऐसे होता है
के वजूदात में से किसी कैद को न समझने की वजह से, वजूदात में से किसी कैद को न समझने की वजह से। मुक्तदी के बारे में बोला था कि मुक्तदी जो है उसको कोई मुश्किल पेश आए तो उसकी मुश्किल को दूर करने। हाँ, मुक्तदी को मुश्किल के मुश्किल दूर करने वाली मिसाल वो लोग क़यामत के दिन सर के बल कैसे चलेंगे, वो मिसाल इसकी है। उनको समझा दिया गया कि ये तो बिल्कुल एक इब्तदाई इश्काल है कि पाँव के बल भी अल्लाह चला रहा है और उसके बल भी अल्लाह ही चलाएगा। वजूदात में किसी कैद को न समझने की जो मिसाल है वो कुरान मजीद में है, इन्नस सफ़ा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, कि सफ़ा मरवा जो हैं ये अल्लाह की निशानियों में से हैं। फ़मन हज्जल बैत अवैत अमरा फला जुनाह अलैहि अन यतवफ़ बिहिमा, जो बैतुल्ला का हज करे या उमरा करे तो उस पर कोई हर्ज नहीं कि वो इन दोनों के चक्कर लगाए। अब इस आयत से हमें क्या पता चल रहा है कि अगर वो चक्कर लगा ले तो कोई हर्ज नहीं है। ये जो उसलूब है, ये जो अंदाज है, इससे वजूब साबित नहीं होता। इससे ये साबित होता है कि अगर कोई सफ़ा मरवा के दरमियान सही करे तो उस पर कोई गुनाह नहीं है, यानी सही करना वाजिब नहीं है। आप ये काम करो तो कोई हर्ज नहीं है। तो हर्ज की नफी, गुनाह की नफी, ये इस बात की तरफ इशारा है गोया कि ये काम जायज़ है, कोई फ़र्ज वाजिब नहीं है। जबकि हम देखते हैं सफ़ा मरवा की जो सही है वो हज हो या उमरा हो ये वाजिब है। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से भी किसी ने पूछा कि इस आयत से ये पता चलता है कि सफ़ा मरवा की सही वाजिब नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने कहा कि अगर तुम कर लो तो कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि अल्लाह ने ये नहीं कहा कि जो है कि लाजमी तुम सही करो। तो अब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ये जो फला जुनाह वाली कैद है कि तुम पर कोई गुनाह नहीं, इस कैद की वजाहत की, इस चीज़ की वजाहत यूं की, हज़रत आयशा ने फरमाया इब्तिदाए इस्लाम में कुछ लोग सही करने को गुनाह समझते थे, क्योंकि जहाँ दो बुत रखे हुए थे इसाफ और नाइलह, ये जो दो मर्द औरत थे जिन्होंने बैतुल्ला के अंदर बदकारी की थी, अल्लाह ने इनको पत्थर बना दिया, बाद में शैतान ने इन्हीं पत्थरों को पूजवाना शुरू कर दिया लोगों से, तो लोग सही करते नहीं थे, करने को गुनाह समझते थे। तो अल्लाह ने फला जुनाह से उस गुनाह की नफी की है कि वो जो तुम सही करने को दो बुतों की वजह से गुनाह समझते थे, अब सही करने में वो गुनाह नहीं है। ठीक है, बात समझ आ गई आप लोगों को? जी। अच्छा, इसकी एक और मिसाल इसी कैद की, जब हम कुरान में सूरत निसा में नमाज कसर के मुतालिक पढ़ते हैं तो वहाँ पर यह है कि इन खिफ्तों, अगर तुम्हें खौफ हो तो फिर नमाज को कसर करो, नमाज को कम करो सफ़र में अगर तुम्हें खौफ हो। तो हज़रत उमर ने इन खिफ्तों, अगर खौफ हो, इससे हज़रत उमर ने इस कैद से, इस शर्त से ये समझा, यानी अगर सफ़र अमन वाला हो, सफ़र में खौफ ना हो, तो फिर पूरी नमाज पढ़नी पड़ेगी। और यही सवाल उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया तो आपने फरमाया दौरान सफ़र नमाज में कसर करना ये अल्लाह की तरफ से सदका है, यानी इसको कबूल करो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौजीह ये बयान की, ये इन खिफ्तुम, अगर तुम्हें खौफ हो, ये कैद इत्तेफाकी है, ये कैद एहतराजी नहीं है। इस इन खिफ्तुम की शर्त का ये मतलब नहीं है कि अगर खौफ ना हो तो फिर पूरी नमाज पढ़ो। चूंकि ये आयत नाजिल खौफ के मौका पर हुई थी, इस वजह से इन खिफ्तुम का जिक्र कर दिया गया,
वरना इन खिफ तुम के जिक्र करने का मतलब ये नहीं कि अगर खौफ ना हो तो फिर तुम क्या करो पूरी नमाज पढ़ो। ठीक है, इसके बाद शाह साहब फरमाते हैं असबाब नुज़ूल और मुश्किल मकामात की तौजीह के सिलसिले में इमाम बुखारी और इमाम हाकिम और इमाम तिरमिज़ी ने भी अपनी किताबों में लिखा है और शाह साहब ने इनका तज़किरा पाँचवें बाब में किया है जो हमारे निसाब में शामिल नहीं है। अब इसके बाद फ़हम कुरान की जो दीगर दुश्वारियां हैं उनका ज़िक्र है, जैसे हज़फ़ है, इब्दाल है, तकदीम व तख़ीर है वगैरह वगैरह, तो उनका तज़किरा इंशाअल्लाह हम कल पढ़ें।